नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके भी पास कुछ इस तरीके से जो मैसेज होता है और आपको यहाँ पर एरर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो ये आखिर क्यों दिखाई देता है और इससे क्या हमें फ़ायदा है या फिर नुकसान है, तो चलिए जान लेते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है कोई मैसेज, ठीक है, तो उसके अंदर या तो कोई लिंक होती है या वो कोई फेक यानी कि किसी कंपनी द्वारा ये मैसेज भेजा गया हुआ होता है, ठीक है, या फिर आपसे कुछ भी क्लिक करवाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो अगर आपने यहाँ पर अपने मोबाइल में सेटिंग्स होती है एक प्रोटेक्टर की, ठीक है, अगर आपने वो ऑन कर रखी है तो जो भी इस तरीके की कोई भी यानी कि मैसेज होगा या फिर मेल होगी तो उसमें इसी तरीके के यहाँ पर ये एरर देखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब है एक चेतावनी, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊँगा। तो चलिए हम सिंपली इसे ओपन करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, एक नंबर देखने को मिल रहा है इसमें और इसी के साथ में आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिल रही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है इस तरीके की जो लिंक होती है हम इन पर सिंपली क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद या तो हमें अपने अकाउंट पर रिडायरेक्ट कर देते हैं या फिर गूगल पे, फ़ोनपे या फिर आपको अपना UPI पिन डालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जाता है, तो ऐसे में क्या करता है, जो इस तरीके के मैसेज होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है, और आपको इस तरीके का एरर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉट नाउ स्पैम, ठीक है। तो अगर आप ये बिल्कुल सही है तो आप इसे यहाँ से कर देंगे और ये हट जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हट जाएगा, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप यहाँ से इसे ब्लॉक भी कर सकते हैं, पर ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा एंड रिपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप यहां से रिपोर्ट कर देंगे, ये जो मैसेज है वो आपका ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये मैसेज अब आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, इस कंपनी की तरफ से। इसी तरीके से एक मेल का भी ये सिस्टम होता है, वो यहां पर मेल ओपन करके दिखा देता हूं, ये है, ठीक है। इसमें आपको वो मेल यहां पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये मेल है वो आपको डायरेक्ट वहाँ पर दिखाई नहीं देंगी और ये 30 दिन के बाद यानी कि ऑटोमेटो ही ये डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, इसमें आपको देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। और आपकी जो मेल सही है तो आपको करना क्या है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप 3 लाइन पर सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर कर देंगे रिपोर्ट नॉट स्पैम, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो जो मेल है वो आपकी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जो मेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। अब ये सेटिंग्स को आपको अपने मैसेज के अंदर देख लेना है कि ऑन है कि नहीं है, नहीं है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं।